हाँ दोस्तों, हर गंगे नमामि गंगे। आज हम आ चुके हैं फिर से हर की पैड़ी हरिद्वार। आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे हरिद्वार यात्रा से जुड़ी, क्योंकि अभी नवरात्रि का सीजन चल रहा है तो श्रद्धालु खासतौर पर माँ मनसा देवी की यात्रा करने काफ़ी सारे लोग ज़्यादा जा रहे हैं। आज हम दोस्तों तो हम आ चुके हैं माँ मनसा देवी के रोपवे के द्वार के पास चुके हैं। आज देख रहे हैं सुबह के अभी 7:15 हुए हैं और दुकान अभी भी बंद है और भीड़ कितना ज़्यादा। अभी दर्शन के लिए जा रहे हैं और देखते हैं रोपवे में टिकट लेने के लिए कितनी लाइन लगनी पड़ेगी। आज हम आपको मनसा देवी के दर्शन कराएंगे रोपवे से जाके। ऐसा तो यहाँ पे जाने के दो मार्ग है, एक तो पैदल मार्ग जहाँ पे आपको 832 सीढ़ी मिलेगा। पैदल मार्ग हर की पैड़ी से लगभग 300 मीटर की दूरी पे है और रोपवे का मार्ग हर की पैड़ी से 500 मीटर की दूरी पे है। हम सुबह ही आ चुके हैं 7 बजे। अभी नवरात्रि की पावन पर्व चल रहा है तो श्रद्धालुओं की भीड़ काफी ज्यादा है, जो कि आप अभी देखेंगे। लाइन इतनी लंबी लग चुकी है, जल्दी से हम लग जाते हैं लाइन पे। ये हम लग चुके हैं लाइन पे, लाइन अभी सुबह सुबह। हाँ जी, ये देख रहे हैं सुबह सुबह ये वाली जो काउंटर है, ये आप कम्बो टिकट अगर लेना चाहेंगे, कम्बो टिकट मनसा देवी चंडी देवी का, तो यहाँ पे लाइन अभी नहीं के बराबर है सुबह सुबह। और ये वाली जो लाइन है ये केवल मनसा देवी के लिए है। ऐसे मनसा देवी का आने जाने का जो किराया है रोपवे का 129 रुपये पर पर्सन है और चंडी देवी का 349 रुपया पर पर्सन है। और अगर आप कम्बो लेंगे तो आपको 424 रुपया पड़ेगा। और बच्चे का हाइट के हिसाब से, जो कि अभी हम आपको दिखाएंगे, यहाँ पे पूरी रेट लिस्ट लगा हुआ है, तो आप वीडियो को पूछ करके भी देख सकते हैं। देख रहे हैं ये है, इस बच्चे का लगेगा हाफ टिकट, जो कि आप देख रहे हैं। अगर वो पूरा होता है तो उनका पूरा टिकट लगता। ये है टिकट काउंटर, लंबी लाइन लगी हुई है। ये हमने ले लिया टिकट, अब हम जा रहे हैं दर्शन के लिए। ये यहाँ की सिक्योरिटी चेकिंग, यहाँ भी होगी चेकिंग। जब भीड़ ज्यादा होता है तो ये वेटिंग हॉल है, यहाँ पे लोग बैठे होते हैं, यहाँ पे फोटो शूटिंग होता है। अगर आप फोटो शूटिंग करा सक कराने का सोच रहे हैं तो वेलकम फोटो होता है। चार यहाँ पे वेलकम फोटो है बता रहे हैं। ये कुछ इस तरह का है, ये इसमें लिखा हुआ है कि वो फोटो कहाँ पे डिस्प्ले होगा। बस हम पहुँचने वाले हैं रोपवे के पास, देख रहे हैं ये रोपवे, यहाँ पे इतनी लाइन लगी हुई है अभी। ट्रॉली में बैठने का सही तरीका, आप इस तरह से प्रवेश करें। हम बैठ चुके हैं ट्रॉली पे और ट्रॉली में जब जाएंगे ऊपर तो आपको हरिद्वार और ऊंचे पहाड़ों का सुंदर दृश्य देखने को मिलेगा। देख रहे हैं ये पैदल मार्ग, ये जो पैदल मार्ग आप देख रहे हैं, इस मार्ग से पहले बाइक जाया करता था जो कि अब बंद कर दिया गया है। सीढ़ी वाली मार्ग ये है, देख रहे हैं अभी हम जूम करेंगे, ये है सीढ़ी वाली मार्ग। इधर से आपको 832 सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा। अब माता रानी के दरबार के सुंदर नजारे आप देख रहे हैं, जैसे जैसे नजदीक आएंगे वैसे वैसे मंदिर के सुंदर दृश्य आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ से हरिद्वार के सुंदर दृश्य भी आप देख सकते हैं। हरिद्वार के सुंदर नज़ारे हम आपको वापसी में दिखाएंगे। आप सबसे एक प्यारी से रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल में नए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम पे नहीं जुड़े तो इंस्टाग्राम पे भी जुड़ जाइएगा। ये हम नीचे उतर चुके हैं, हम ऊपर मंदिर में आ चुके हैं रोपवे से। नीचे उतरने के बाद सुंदर का दृश्य देखने को मिल रहा है और श्रद्धालुओं की संख्या आज कम है यहाँ पे, इस कारण हमें काफ़ी जल्दी जल्दी दर्शन आज हो जाएंगे। और मुश्किल से रोपवे से आएंगे तो 5 मिनट ऊपर आने में लगेगा। और ऐसे आज रोड पे भी, यानी ट्रैक पैदल ट्रैक पे भी भीड़ नहीं है। ऐसे दो मार्ग हैं यहाँ पे पैदल आने के, दोनों ही हमने आपको दिखा दिया है। कुछ सीढ़ियाँ नीचे आपको जाना होगा चल के, फिर आपको माता रानी के दर्शन होंगे। हाँ।
अगर आप वन वे का लेना चाहेंगे तो वन वे का आपको महंगा पड़ेगा, किराया आपको देख रहे हैं भाई, वन वे का यहाँ से लेंगे 100 रुपया एक व्यक्ति का, वन वे का आपको लेना होगा वन वे का। और ये है माता रानी की दरबार और हम आ चुके हैं माता जी, माता जी देख रहे हैं श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ पे आपको देखने को मिली, क्योंकि पैदल मार्ग और रोपवे का मार्ग दोनों श्रद्धालु इधर आपको दिखाई देंगे। दरबार देख रहे सजा हुआ है काफी से, काफी अच्छे से। पैदल यात्री इधर से आते हैं, हम इधर से आए हैं, ये रोपवे का द्वार है। पैदल मार्ग काफी अच्छी हवाएं चल रही है, सुबह सुबह अगर पैदल ट्रैक से भी आएंगे आप काफी अच्छा आपको महसूस होने वाला है। सुबह सुबह ठंडी हवाएं चल रही हैं। यह है माता रानी की दरबार, ये यहाँ की निशुल्क जूता काउंटर, यहाँ पे आप रख सकते हैं। ऐसे तो काफी सारे दुकान आपको मिल जाएंगे जहाँ पे आप जूते रख सकते हैं, जैसे कि ये लोग रख रहे हैं, देख रहे हैं। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है और नवरात्रि के दूसरा दिन में माता का चंडी के आकर्षण करने वाले हैं। ये है यहाँ की सजावट, यहाँ पे काफी सारे चुनरी थे जो कि अब हटा दिए गए हैं, लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा, क्योंकि अब जो श्रद्धालु आएंगे वो भी चुनरी बांधेंगे, जगह नहीं थी यहाँ पे बांधने के लिए। और जय अभी श्रद्धालुओं की वेटिंग यहाँ पे इतना है, देख रहे हैं बस हमारे पीछे नहीं है, बस अभी लास्ट है, कुछ देर में हमारे पीछे भी लग जाएंगे लाइन। अभी अब रामगिरी महाराज के दर्शन कर रहे हैं। देखेंगे हमारे पैसा, देख रहे हैं आगे और पीछे काफी लंबी लाइन लग चुकी है। अब हवन कुंड के पावन दर्शन कर रहे हैं, जय माता दी। अब कुछ ही पलों में माता रानी के दर्शन होने वाले हैं। इसके बाद आप यहाँ पे मनोकामना पूर्ति के दूध धागा बांधेंगे, देख रहे हैं कुछ लोग यहाँ पे धागा बांध रहे हैं। यहाँ पे और भी काफी सारे मंदिर आप दर्शन कर सकते हैं। हमारे दर्शन काफी अच्छे से हो चुके हैं, उसके बाद आप माँ वैष्णो देवी के दर्शन करेंगे। गुरु वाहनी माँ वैष्णो देवी, जय माता दी। जय माता दी। हमारी दर्शन काफी अच्छे से हो चुकी है और अभी हम गुरु वाहनी माँ वैष्णो देवी के दर्शन कर रहे हैं और अपनी कामना कर रहे हैं। काफी अच्छे से दर्शन हो चुका है, ऐसे तो माँ भगवती के आसन की तरफ से आपका हम हमारे चरण के माध्यम से घर बैठे ही दर्शन कर चुके हैं। काल भैरव यह यहाँ की मंदिर परिसर जो कि हमने आपको पहले ही दिखा दिया था, यहाँ पे आपको जूता चप्पल काउंटर और साथ में आपको यहाँ पे प्रसाद के दुकान मिलेंगे। प्रसाद के दुकान पे ही आप चप्पल जूता रख सकते हैं किनारे पे और प्रसाद आपको यहाँ पे लेना होगा। और अगर आप निःशुल्क रखना चाहते हैं तो यहाँ पे जूता स्टॉल है जो कि निःशुल्क है। एक मार्ग है ये एग्जिट का जो कि आप बाइक वगैरह से अगर आते हैं तो इस मार्ग से आप एग्जिट करेंगे, बाकी हमने आपको दिखा दिया। Thank you.
एक मार्ग ये है ये वाली, दूसरी मार्ग का भी हम आपको दिखा देंगे। यहाँ सुंदर दृश्य हरिद्वार के आप देख रहे हैं। मुश्किल से हमें दर्शन करने में लगे 15 मिनट का, ऐसे 5 मिनट जाने में, 5 मिनट आने में और 5 मिनट करने में दर्शन, क्योंकि भीड़ नॉर्मल था, कोई ज्यादा भीड़ नहीं था नवरात्रि में। नवरात्रि में यहाँ पे भंडारा चलता है, देख रहे हैं भंडारा का आनंद आप ले सकते हैं अगर आप पैदल आ रहे होंगे तो। यहाँ पे इनकी टैक्सी की जो सर्विस है 150 मीटर की दूरी पे है, आपको पिठरते होके जाना पड़ेगा। कपड़ों की टिकट ले रहे हैं जो कि 95 रुपीज का आपको देना होगा। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करें और जो भी हरिद्वार आ रहे हैं तो वो मंसूर भी जरूर जाए, क्योंकि यहाँ पे जाने से सख्त मनोकामना पूर्ण होती है। नवरात्रि में जैसे कि आप देख रहे हैं भीड़ काफ़ी ज़्यादा होता है, ऐसे तो फिर यहाँ पे 12 महीना देखने को मिलता है।